दिलावर भाई, ये बहरिया ऑर्चर्ड जो है इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि ये कब लॉन्च हुआ और इसकी लोकेशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहरिया ऑर्चर्ड जो है ये बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी का प्रोजेक्ट है और इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 2016 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट। और बहरिया टाउन ऑर्चर्ड की जो लोकेशन है वो फेज़ 8 के अंदर ही, फेज़ 8 के अंदर F2 और F3 सेक्टर जो हैं इनके बिल्कुल साथ ये प्रोजेक्ट वाकई जी। ऑर्चर्ड में किस साइज़ में प्लॉट दस्तयाब हैं? देखिए, बहरिया ऑर्चर्ड में जो है वो 5 मरला के प्लॉट्स हैं, 8 मरला के प्लॉट हैं, इसके अलावा 10 मरला और 1 किनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट। इसमें कमर्शियल प्लॉट भी हैं, अगर हैं तो उनके साइज़ बता दें। बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो कमर्शियल कैटेगरीज हैं उसमें 5 मरला के प्लॉट्स हैं और 8 मरला के प्लॉट्स हैं। प्लॉट जो हैं ये किस्तों पर भी दस्तयाब हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के बारे में बता दें। जो प्लॉट्स हैं वो रेजिडेंशियल प्लॉट जितने भी हैं बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर वो सब प्लॉट जो है वो कैश प्राइस के ऊपर हैं। और अगर आप कमर्शियल प्लॉट्स की बात करते हैं तो कमर्शियल प्लॉट जो है उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान है, लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट जितने भी हैं वो सिर्फ कैश प्राइस के ऊपर हैं। ऑर्चर्ड के इर्द गिर्द कौन से सेक्टर हैं और उन सेक्टर में आबादी है या वो भी नॉन पोजेशन है? बहरिया ऑर्चर्ड जो है इसके सराउंडिंग एरिया के अगर आप जिक्र करते हैं तो सराउंडिंग एरिया में फेज़ 8 F2 सेक्टर है, F3 सेक्टर है और DHA फेज़ 3 का सेक्टर P आता है। और अगर आप इसमें पॉपुलेटेड एरिया को डिस्कस करते हैं तो फेज़ 8 का जो F1 सेक्टर है वो ऑर्चर्ड के बिल्कुल साथ आता है और वहाँ पे 20 से 25% घर बने हुए लोग रह रहे हैं जी। ऑर्चर्ड में डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, क्या वहाँ पे काम शुरू हो चुका है या मुकम्मल हो चुका है, ज़रा वजाहत से बता दें। देखिए, ऑर्चर्ड की जो डेवलपमेंट का स्टेटस है, अगर आप डेवलपमेंट को देखते हैं तो डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है और जो प्लॉट साइज़ 10 मरला के हैं और 1 किनाल के हैं उनमें पोजीशन मिल चुकी है। 5 मरला की भी स्ट्रीट्स जो है ना डेवलप हो चुकी हैं और नेक्स्ट पोजीशन के लिए वो रेडी हैं। 8 मरला के ऊपर भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। पोजेशन इसका जो है वो कब मिलेगा, मतवक्को कितना टाइम चाहिए इसको? देखिए, पोजेशन की अगर आप डिस्कस करते हैं तो बहरिया ऑर्चर्ड जो है इसमें सोसाइटी की कुछ पॉलिसीज अभी चेंज हुई हैं पोजेशन से मतलब। पहले ऐसे होता था कि बहरिया टाउन जो है वो पहले पूरा सेक्टर डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद उसको पोजेशन देता था, लेकिन ऑर्चर्ड में ये पॉलिसी सोसाइटी ने थोड़ी सी चेंज की है। सोसाइटी इस टाइम ऑर्चर्ड में जिस जिस तरह रोड्स बन रहे हैं, जो जो गलियाँ तैयार हो रही हैं, उन सब गलियों को साथ साथ पोजीशन दे रहा है। तो अगर आप पोजीशन को देखते हैं तो 10 मरला किनाल की और 5 मरला की जो रेडी स्ट्रीट्स हैं उनमें पोजीशन है और आप फौरन घर बना सकते हैं। आज 10 जनवरी 2018 है और आज प्राइजेस का जो रिव्यू है वो मैं आपको पेश करता हूं कि आज जो प्राइजेस हैं 5 मरला प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं 5 मरला, उनमें प्राइजेस जो हैं वो अराउंड 14 लाख से लेके अराउंड 17 लाख तक प्राइजेज़ हैं 5 मरला के, जिनमें मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं और मुख्तलिफ लोकेशंस हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जो प्राइजेज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अगर आप 8 मरला प्लॉट का जिक्र करते हैं रेजिडेंशियल का, तो 8 मरला प्लॉट जो हैं उनमें मुख्तलिफ प्राइज 24 लाख 25 लाख तक, जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं। इसी तरह अगर आप 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट की जिक्र करते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट जो 10 मरला हैं इनमें जो प्राइजेज स्टार्ट होती हैं वो 26-27 लाख से लेके 30, और इनमें मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं, मुख्तलिफ लोकेशन और मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनमें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, और किनाल के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें जो प्राइजेस हैं वो तकरीबन 44-45 लाख से लेके 53-54 लाख तक चलती हैं, जिनमें मुख्तलिफ प्राइजेस हैं और मुख्तलिफ लोकेशन हैं और कैटेगरी वाइज प्राइजेस मुख्तलिफ हैं। और सबसे एंड के ऊपर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप बहरिया टाउन के मतलब अपडेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल जो है एडवाइस एसोसिएट इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फर्दन फर्दन नए हर प्रोजेक्ट की आपको इसी तरह अपडेट वीडियो में दी जाएगी।